आईपीएल के 11वें सीजन में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला पहली बार गरजा। रोहित ने आरसीबी के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए 32 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 52 गेंदों पर ताबड़तोड़ 94 रन बनाकर टीम को 200 रन के पार पहुंचाया। आईपीएल में उनका 33वां अर्धशतक है। अपनी इस पारी के साथ ही बेंगलोर के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलते ही रोहित ने टीडट में 50 अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ियों के क्लब में एंट्री कर ली। रोहित ही कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले गौतम गंभीर और विराट कोहली ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। रोहित ने करियर के 274वें टीडट मैच में ये उपलब्धि हासिल की। रोहित के नाम आईपीएल में 33 अर्धशतक के अलावा अंतर्राष्ट्रीय टीडट में 14 अर्धशतक दर्ज हैं। गौतम गंभीर ने 249 टीडट मैचों में 53 अर्धशतक जड़े हैं, जिसमें से 36 आईपीएल में और 7 टीडट इंटरनेशनल में आए हैं। वहीं विराट कोहली ने 231 टीडट मैचों में 53 अर्धशतक जड़े हैं, इनमें से 31 आईपीएल में और अंतर्राष्ट्रीय टीडट में 18 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान रोहित रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ 600 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बन गए। रोहित से पहले गंभीर, धोनी और सुरेश रैना ऐसा कर चुके हैं।